और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक छोटा सा बस अपडेट देने के लिए ये व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि कल पूरा दिन कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि आज से मुनमुन के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो हमको यही लगा कि आप लोगों ने इतनी सारी गुड विशेस उसको दी है, तो आप लोगों को बताना तो बनता है ना कि आज से उसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट देना था कि आज से उसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी जस्ट उसको हम ड्रॉप करके आए हैं। उसके पेपर 9 बजे से हैं, तो पहला दिन होता है तो थोड़ा जल्दी लेके जाना होता है ना, तो वही हम उसको 8 बजे यहाँ से लेके गए और ड्रॉप किए। तो वो तो नर्वस बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको बहुत अंदर से ना, मतलब एक क्या बोले, बहुत घबराहट सी हो रही है कि कैसा पेपर करेगी कैसा नहीं करेगी। और 10th का है ना, तो थोड़ा सा तो लगता है कि ये 10th और 12th का जो रिजल्ट होता है ना, वो लाइफ टाइम का एक जैसे होता है ना अचीवमेंट, कि इसके बेस पे बहुत कुछ टिका रहता है। तो बस यही थोड़ी सी उम्मीद है कि अच्छा करे पेपर और सब कुछ अच्छे से करके आए, ताकि रिजल्ट अच्छा है। बाकी ठीक है, हम ये नहीं कहते कि मतलब वो बिल्कुल अब मेरे लिए एकदम टॉप ही कर ले, लेकिन उम्मीद तो है। और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, मतलब सबका रिजल्ट अपना अपना अपने तरीके से आता है। देखते हैं मुनमुन क्या करके आती है। थोड़ा सा घबराहट है उसको, नहीं है हमको ज्यादा है। स्कूल पे जैसे उसको ड्रॉप करने गए ना, सेंटर कहीं और पड़ा है तो वहां ड्रॉप करने गए, तो मेरा दिमाग में एकदम ना अपना टाइम आने लगा था कि ऐसे ही हम लोग भी जाते थे। और बहुत बहुत घबराहट होती थी, नर्वसनेस होती थी कि पता नहीं कैसा पेपर होगा कैसा नहीं। लेकिन सच बताया तो मुनमुन एक इतना सा भी नर्वस नहीं है, बस उसको ये था कि मम्मा हमको टाइम से सेंटर पहुंचा दो, नहीं लेट ना हो जाए। इसके अलावा उसको एग्जाम का इतना सा भी डर नहीं है, मतलब होता है ना बच्चों को एग्जाम का फोबिया, वो बिल्कुल नहीं है मुनमुन को। तो अच्छी बात भी है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डर से तो फिर बच्चे बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और उसके हिस्से का डर हमको है, हम तो सच में बहुत, मतलब अब जब तक उसको हम लेके नहीं आएंगे ना एग्जाम के बाद, और उससे सारे मतलब सब कुछ पूछेंगे नहीं कि हाँ कैसा हुआ कैसा नहीं, तब तक तो दिमाग में टेंशन रहेगा ही। लेकिन आप लोगों की गुड विशेस और पूरी फैमिली उसके लिए जितने अच्छे से उसको सपोर्ट करती है, और सब लोगों ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ढेरों आशीर्वाद मिले। सारे काम तभी आएंगे जब उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, और वो मेहनत भी कर रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो मेहनत नहीं कर रही, मेहनत बहुत कर रही है वो। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के गुड विशेज, या मम्मी पापा का आशीर्वाद, उसके जितने भी उसके परिवार के लोग हैं, सबका आशीर्वाद काम आएगा। भगवान करे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, यही उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो यही करेंगे ना। और वो तो बोलती है मम्मा हमसे उम्मीद मत करना कि हम टॉप करेंगे, हमको टॉपर बनने का कोई शौक नहीं। वो तो ऐसे बोलती है, मतलब क्या बोले, मुनमुन बिल्कुल अनोखी है, अजीब सी है। मुनमुन कहती है हमको टॉपर बनने का कोई शौक नहीं है, आप देखना हम टॉपर, हमको नहीं बनना, बस हम रिजल्ट अच्छा लाएंगे, टॉपर नहीं बनना। तो देखिए क्या करती है। तो यही लगा कि चलो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे दे, क्योंकि कल तो कोई ब्लॉग बना नहीं पाए थे, क्योंकि आज से उसके पेपर थे, तो सारा दिमाग उसी में लगा हुआ था कि पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर ले, थोड़ा उसको टाइम दे। तो इसीलिए कुछ मतलब वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए, और रात में थोड़ी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो और टेंशन हो गई। क्योंकि ये 10th का क्लास जब था ना, तो उसका पूरा सीजन ऐसे ही गया, जब भी पेपर का टाइम आता था तो मुनमुन एकदम से बीमार हो जाती थी, और सब बीमार हो, उसको क्या फीवर आने लगता था पता नहीं क्यों। और रात में कल फिर वैसे ही हुआ, तो लगा कि कहीं तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे, कल से तो फाइनल पेपर है। तो रात में थोड़ा परेशान हुए भी थे, उसको खांसी वगैरह कफ बहुत ज्यादा हो रहा है लगातार। तो अभी तो ठीक है, गई है पेपर देने, अब देखे आती है तो देखते हैं क्या करके आती है। तो और बताइए आप लोगों का कैसा है, क्या चल रहा है, मॉर्निंग की चाय वाय हुई कि नहीं? और अभी ये जस्ट हम अपलोड भी कर देंगे, ये छोटा सा जो अपडेट है तुरंत ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमको लगा कि नहीं, अगर आप लोगों ने इतनी सारी गुड विशेस दी है, इतना सारा मुनमुन को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो आप लोगों को भी बताना बनता है कि आज से उसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। और सुबह सुबह पापा उसको, हर साल पापा ऐसा करते हैं, अपने से पेन वेन खरीद के लाएंगे और देंगे कि लो मुनमुन इससे ही पेपर देना, एग्जाम देना। तो सुबह जाते टाइम सबके पांव छुई और सबका आशीर्वाद ली और गई है पेपर देने। तो जैसे ही उसको सेंटर पे लेके गया ना, तो बिल्कुल अपना टाइम याद आने लगा कि अरे हम लोग के टाइम में हम कितना नर्वस थे। तो हम बोलने भी लगे कि अच्छे से पेपर देना मुनमुन, ये करना मुनमुन, वो करना, भूलना नहीं, मतलब जो चीजें हम लगा कि इसको थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि उसका ये फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है।
तो हम उसको सारी चीजें बता रहे थे, तो बोलती मम्मा मेरे से ज्यादा तो आप नर्वस हैं, अब बस करिए, हम सब कुछ समझ गए, अब आप जाइए आराम से, हम पेपर दे लेंगे। तो फिर हम चले आए, अब देखिए कैसा करती है। तो यही था, और देखते हैं शाम तक में अगर हुआ तो एक कोई रेसिपी है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी आज का ब्लॉग अब फिर कल जाएगा, ये छोटा सा अपडेट जो है वो आज जा रहा है। तो चलिए अब इसको यहीं पे हम बात को खत्म करते हैं, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियोस अच्छी लगा करे, ब्लॉग अच्छे लगा करे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।